महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पलवल के नागरिक अस्पताल में सखी वन स्टॉप सेंटर बनाया गया, ताकि महिलाओं को किसी भी प्रकार की हिंसा व असुरक्षा होने पर वन स्टॉप सेंटर में निःशुल्क सहायता प्रदान की जा सके। वन स्टॉप सेंटर में आज मानसिक रूप से पीड़ित व गुमशुदा युवती से पूछताछ की गई, ताकि उसे उसके परिवार तक पहुँचाया जा सके। जिला सिविल सर्जन डॉक्टर प्रदीप शर्मा ने बताया कि जिले में किसी भी महिला के साथ किसी भी प्रकार की कोई हिंसा हुई है, उन महिलाओं को एक ही छत के नीचे चिकित्सा सहायता, कानूनी मदद, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुलिस द्वारा सुरक्षा सुविधा तथा अस्थायी आश्रय सेवाएं प्रदान करना है, ताकि महिलाओं को अपनी जांच कराने, वकील से परामर्श करने में कोई परेशानी नहीं आए। वन स्टॉप सेंटर के माध्यम से महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना भी है। वन स्टॉप सेंटर पर महिलाओं की सुविधा को ध्यान में रखते हुए व्यापक इंतजाम किए हैं। यह वन स्टॉप सेंटर महिला और बाल विकास विभाग द्वारा नागरिक अस्पताल में शुरू किए गए हैं। जिला परवल में भी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत कर दी गई है, जिसमें जरूरतमंद वे आश्रयहीन महिलाएं समय पर प्रशासन द्वारा मुहैया कराई जा रही सेवा वे सुविधाओं का लाभ निःशुल्क उठा सकती हैं। सरकार ने हर जिला मुख्यालय पे OSCC या वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाया गया। इन OSCC को बनाने के उद्देश्य कोई भी औरत जिसको की फिजिकल या किसी अन्य तरह की वायलेंस हुई है, फिजिकल वायलेंस हुई है या सेक्सुअल वायलेंस हुई है, तो उन महिलाओं को यहाँ पे एक ही छत के नीचे उनको मेडिकल, उनको लीगल, उनकी काउंसलिंग, उनका रहना, उनका खाना और उनकी सोशल सिक्योरिटी, इन सब का इंतज़ाम इस OSCC सेंटर में किया जाता है। इस OSCC के अंदर एक OSCC कोऑर्डिनेटर होता है, काउंसलर्स होते हैं, लीगल काउंसलर्स होते हैं, लीगल एडवाइजर्स होते हैं और इसके अलावा हेल्थ वर्कर्स होते हैं। तो ये सभी, कोई भी महिला या कोई भी बच्चा वहाँ एडमिट हो जाता है तो उसकी हर तरह की सुख सुविधा का ध्यान वहाँ पे रखते हैं, ताकि वो महिला, उसको किसी भी तरह की कोई भी परेशानी ना हो और वो खुल के जो भी उसके साथ अन्याय हुआ है उसको बयान कर सके और उसके बारे में जो भी रिकॉर्ड हैं एक ही छत के ऊपर, एक ही छत के नीचे सारे कार्रवाई होते हैं, जिसके लिए महिला को ना थाने जाने की ज़रूरत है, ना उसको किसी वकील से मिलने की ज़रूरत है। वो सब लोग, पुलिस, वकील, काउंसलर, डॉक्टर, वो सभी उसी OSCC सेंटर के अंदर आकर उस महिला का उपचार करेंगे, उस महिला को सलाह देंगे, उस महिला के लिए आगे जो भी लीगल कार्रवाई है वो करें। वन स्टॉप सेंटर की संचालिका सपना ने बताया कि वन स्टॉप सेंटर में घरेलू हिंसा, यौन शोषण, मानसिक रूप से पीड़ित महिलाओं को कानूनी सहायता, चिकित्सा सहायता, पुलिस सहायता सहित मनोवैज्ञानिक परामर्श दिया जाता है। इसके अलावा पीड़ित महिलाओं को 5 दिन सेंटर में रहने की सुविधा भी प्रदान की जाती है। महिलाओं के स्वास्थ्य की जाँच के बाद उन्हें नारी निकेतन भेज दिया जाता है। यदि कोई महिला गुमशुदा है तो उसके बारे में पता किया जाता है और उसे उसके परिवार के लोगों से मिलाने का कार्य किया जाता है। वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं का लाभ उठाने के लिए पीड़ित महिलाएं हेल्पलाइन नंबर 181 पर कॉल कर सकती हैं। यह हेल्पलाइन नंबर 24 घंटे उपलब्ध रहता है। कॉल करने पर पीड़ित महिला को सहायता प्रदान की जाती है। वन स्टॉप सेंटर में अभी तक 90 पीड़ित महिलाओं को उक्त सुविधाएं प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अधिकतर घरेलू हिंसा के मामले सामने आए हैं। इसके अलावा रेप की पीड़ित महिलाएं वे मानसिक रूप से प्रताड़ित की गई महिलाएं भी वन स्टॉप सेंटर का लाभ उठा चुकी हैं। उन्होंने बताया कि नागरिक अस्पताल में दूसरी मंजिल पर वन स्टॉप सेंटर बनाया गया है, जहां पर एक महिला डॉक्टर, एक महिला वकील, मनोचिकित्सक व महिला पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई गई है। स्टॉप सेंटर सखी, इसमें हमारी पलवल की तरफ से कानूनी सहायता, विधिक सहायता, क्या कहते हैं, मेडिकल सहायता और पुलिस की सहायता, 5 दिन का शेल्टर अवेलेबल है। कोई भी पीड़ित महिलाएं हमारे वन स्टॉप सेंटर को अप्रोच कर सकती है और इन सुविधाओं का उपलब्ध, मतलब कि सुविधाओं का, क्या कहते हैं, लाभ उठा सकते हैं।
90 महिलाएं हमारे वन स्टॉप सेंटर पलवल में अप्रोच कर सकती हैं, जिनमें से ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस के केसेज आए हैं, रेप के भी हैं, डोमेस्टिक वायलेंस ज़्यादा हो रहा है। हम लोग महिलाओं को जागरूक भी कर रहे हैं कि आखिर डोमेस्टिक वायलेंस क्या है। डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा महिलाएं ये सोचती हैं कि मारना ही डोमेस्टिक वायलेंस है, लेकिन उन्हें नहीं पता है कि जो मानसिक पीड़ा होती है वो भी एक डोमेस्टिक वायलेंस है। हम महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे वन स्टॉप सेंटर की सुविधाओं का लाभ उठाएँ।